कांग्रेस के सीनियर नेता ए के एंटनी ने पार्टी को सलाह दी कि सत्ता में वापसी के लिए बहुसंख्यक समुदाय का विश्वास जीतना जरूरी है। मतलब ये कि एंटनी ने घुमा फिराकर नहीं बल्कि सीधे शब्दों में कांग्रेस आलाकमान को अपनी रणनीति बदलने की नसीहत दे डाली, क्योंकि ए के एंटनी का मानना है कि मौजूदा रणनीति 2024 में कांग्रेस को सत्ता नहीं दिला पाएगी। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में एंटनी ने डंके की चोट पर यह बात बोल दी और कांग्रेस आलाकमान को बता दिया कि नरेंद्र मोदी को हराने के लिए कांग्रेस को हिंदू समुदाय के वोटों की जरूरत होगी। एंटनी पहले भी कई बार इशारों में इस तरह की सलाह दे चुके हैं और 2024 के चुनाव की तैयारियों में जुटे राहुल गांधी और कांग्रेस आलाकमान से उन्होंने फिर से यही कहा। 2014 के लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली थी तब कांग्रेस ने हार की समीक्षा के लिए एक पैनल बनाया था जिसकी अध्यक्षता ए के एंटनी ने की थी और जांच के बाद अपनी रिपोर्ट में बताया था कि कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति उस पर भारी पड़ गई, क्योंकि कांग्रेस खुलकर बोले या न बोले उसकी पहचान अल्पसंख्यक समर्थक के रूप में बन चुकी है, जिसकी वजह से हिंदू वोटर उससे दूर होते चले गए। राहुल को एंटनी ने यही समझाने की कोशिश की जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस को घेर लिया। कांग्रेस पार्टी सिर्फ सियासत करती है तुष्टिकरण की, यानी बीजेपी पर धर्म की राजनीति का आरोप लगाने वाली कांग्रेस खुद वही काम कर सकती है, क्योंकि अब पार्टी के अंदर से ही ये मांग उठी है और भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी को सलाह दी गई है कि वो बहुसंख्यक समुदाय को कांग्रेस से जोड़ने पर फोकस करें। उधर न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच खेल रही पाकिस्तान की टीम की एक बार फिर फजीहत हो गई। ऐसा इसलिए क्योंकि कप्तान बाबर आजम के बाहर जाते ही मोहम्मद रिजवान टीम की कमान संभालने लगे, जबकि वो इस टेस्ट मैच के प्लेइंग 11 में थे ही नहीं बल्कि उन्हें तो सब्स्टिट्यूट फील्डर के तौर पर बुलाया गया था। नियमों के मुताबिक सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी जरूरत पड़ने पर ज्यादा से ज्यादा विकेट कीपिंग कर सकता है, लेकिन रिजवान ने न सिर्फ कप्तानी की बल्कि मैच के दौरान एक रिव्यू भी लिया। इस बीच खबर है कि टेक्सास में हुए हादसे के बाद अमेरिका ने भी अपने कई F-35B लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल रोक दिया। 15 दिसंबर को अमेरिका के टेक्सास में एक F-35B फाइटर जेट लैंडिंग के दौरान रनवे से टकरा गया था, जिसके बाद अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने भी कई F-35B फाइटर जेट के इस्तेमाल को रोक दिया। 15 दिसंबर को हुए हादसे के बाद की गई जांच में कुछ F-35B लड़ाकू विमानों में खराबी पाई गई, जिसके बाद उनके इस्तेमाल को रोक देने का फैसला लिया गया। हालांकि वहां ऐसे कितने F-35B लड़ाकू विमानों पर रोक लगाई गई है इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। दो रोज पहले ये खबर आई थी कि इसराइल ने अपने 11 F-35B लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल बंद कर दिया था, क्योंकि टेक्सास में हुए हादसे ने उसके सीधे जमीन पर उतरने की क्षमता पर सवाल खड़े कर दिए थे। इधर पाकिस्तान के स्पिन गेंदबाज अबरार अहमद के नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया। उन्होंने कराची में चल रहे टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ एक ही पारी में 200 से ज्यादा रन लुटा दिए और ऐसा करने वाले वो पाकिस्तान के छठे गेंदबाज बन गए। हालांकि इस दौरान उन्होंने न्यूजीलैंड के 5 बल्लेबाजों को आउट किया, साथ ही 8 ओवर मेडन डाले। पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैच की एक पारी में सबसे ज्यादा रन लुटाने का रिकॉर्ड खान महमूद के नाम दर्ज है।